हिल गया। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। इसमें ये दो दिन से डीलर्स के पास फोन आ रहे हैं, फर्जी कॉल आ रहे हैं। जो लैंग्वेज है वो ईस्टर्न भारत की, पूर्वी भारत की, बिहार बंगाल और झारखंड की लैंग्वेज है। उसमें डीलर्स को फ़ोन करके वो धमका रहा है कि आप ये कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, पेमेंट भेजो। फर्जी कॉल जो होते हैं, बैंक फ्रॉड टाइप के जो फ़ोन होते हैं, उस तरीके के फ़ोन आ रहे हैं। कई डीलर से अराई क्षेत्र में, किशनगढ़ क्षेत्र में, ब्यावर और अजमेर शहर में भी इस तरह की शिकायतें आई हमारे पास। हमने सभी डीलर्स को बोल दिया कि इस तरह की कोई फर्जी, जो कोई फ़ोन करे, कुछ भी धमकी दे, जो भी आर्थिक बैंक खाते में डालने के लिए बोले, आपको उस तरफ ध्यान नहीं देना, आपका वितरण बहुत अच्छा चल रहा है, उसी कार्य को आप करते रहें। हमने प्रेस नोट भी दिया था दो तीन दिन पहले, अराई पुलिस थाने में दर्ज भी करवाई है उसी शिकायत। जो बैंक अकाउंट नंबर जो वहाँ से दे रहा है, वो बंगाल साल्ट लेक का आ रहा है, दिलीप कुमार वर्मा के नाम से आ रहा है। और सभी डीलर्स हमें इस बात की पूछिए कि डीलर समझदार है, कुछ भी बात होती है इस तरह की वो ग्रुप में डालते हैं, संबंधित इंस्पेक्टर को या संबंधित उनके डीलर्स के जो ग्रुप हैं उसमें बताते हैं, वो हम तक सूचना पहुंचती है, तो हम उनको बोल देते हैं कि इस तरह के फर्जी फ़ोन की तरफ ध्यान नहीं देना है। कि हमें जितने फ़ोन आए डीलर्स के, यहाँ कोई भी इस तरह का शिकार नहीं हुआ आर्थिक खाने का। उसकी साइबर सेल में हम देने की बात कर रहे हैं। दो नंबर तो हमारे पास आ गए, एक नंबर से और आज फोन आया, तो उस नंबर को तीनों को बना के हम साइबर सेल में उसकी जांच करवाएंगे। जो भी आवश्यक कार्रवाई है फिर आगे पुलिस कार्रवाई करेगी।